बच्चों, आज हम अपना पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पाठ 10 का नाम है शहीदों के पत्र। शहीद शब्द सुनकर आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि शहीद हम कहते किसे हैं। किसे कहते हैं? जो अपने प्राणों की बिना चिंता किए देश के लिए कोई कार्य करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दे, अपने प्राण न्यौछावर कर दे, उसे हम शहीद की संज्ञा देते हैं। इस पाठ में आपको दो ऐसे पत्र दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए न जाने कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। इन पत्रों में एक पत्र रामप्रसाद बिस्मिल जी का है, जिन्होंने पत्र अपनी फांसी से 3 दिन पहले ही अपनी माता जी को लिखा। दूसरा पत्र है अशफाक उल्ला खां का, जिन्होंने देशवासियों के नाम ये पत्र लिखा है। उन दोनों ने ही स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए न जाने कितने ऐसे कार्य किए हैं जिनसे हमारा देश आज खुली आजादी की हवा में सांस ले रहा है। इनके जैसे न जाने कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, तब कहीं जाकर हमें ये स्वतंत्रता मिली है। लेकिन इस स्वतंत्रता का मूल्य तब होगा जब हम भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपने देश के प्रति ईमानदारी से करेंगे। तो चलिए हम इस पाठ में इन दोनों शहीदों के पत्र को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें इसमें से क्या सीखना है। हमें क्या सीखना है? हमारे देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें ईमानदारी से निभाना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब से ऊपर उठकर सबसे पहले हमें अपने देश के बारे में सोचना है। हमारे देश के हितों की रक्षा करना है। देश के दुश्मनों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब बातों से ऊपर उठकर उनसे लड़ना है, न कि आपस में लड़ना है। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पेज नंबर 14 निकालिए। शहीद का पत्र। हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कठोर परिश्रम किया। घर परिवार, माता पिता, सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक कि आजादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे शहीदों के जीवन के अंतिम क्षणों की भावनाओं को पढ़कर आपका मन भी श्रद्धा से भर उठेगा। सन 1925 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का निश्चय किया। धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 ईस्वी की शाम राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली। छिपते छिपाते वे लगभग 12 बजे घर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को यह पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश छूने लगे। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देशभक्ति की भावना से हमारा मन डूबा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए हमें अपने सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। 16 दिसंबर 1927 फैजाबाद जेल। पूजनीय माताजी, सादर चरण वंदना। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। माँ,
मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाकुल्ला खान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को आजाद कराना था। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा था, यह एक विडंबना है कि जो हमें सालों से लूटते आए हैं, वे हमें लूट के अपराध में सजा सुना रहे हैं। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। अशफाकुल्ला खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे, आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। वतन हमारा रहे शाद काम और आजाद। हमारा क्या है अगर हम रहे ना रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आजाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को न सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज भी आजाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई। यह हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आजादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। सरकार भी अंग्रेजों की और जज भी अंग्रेजों के, फिर न्याय की मांग किससे करें? जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा है। हमारे शासकों के कौम के जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलवाई। बच्चों, बूढ़ों, स्त्री पुरुषों सब पर दनादन गोलियां दागी गई। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबंधित किया था? फिर हमारे साथ ही यह सुलूक क्यों? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ न लड़ो। रास्ते चाहे अलग हों, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो, अपने देश को आजाद कराओ। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा है। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आजाद हो। सब खुश रहें। आपका भाई अशफाक।